सभापति महोदय, बातें बहुत लंबी लंबी की जाती हैं। थोड़ा सा मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहूँगा। आदरणीय हमारे नेता माननीय राममूर्ति वर्मा जी ने भी कहा है, माननीय लालजी वर्मा जी ने भी, जो बाढ़ की समस्या है, जो समस्या बिहार में है नेपाल से पानी छोड़ने की, वही समस्या उत्तर प्रदेश की भी है। और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप चलिए तो खीरी से शुरू करेंगे, पीलीभीत खीरी से लेके पूरा आप चले जाइए और एकदम कुशीनगर बॉर्डर तक, बिहार बॉर्डर तक पूरी की पूरी समस्या है। घाघरा जब आती है तो मैं समझता हूँ इन जिलों के लाखों लोगों को तहस नहस करके चली जाती है। जितना विकास होता है सभापति महोदय, बरसात के समय वो सारा का सारा विकास पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए मेरी मांग है केंद्र की सरकार से कि बजट आप पास कर रहे हो तो कम से कम उत्तर प्रदेश इतनी नफरत ना करो। दो बार तो उत्तर प्रदेश की दम पे ही बैठे थे और तब भी ये वित्त मंत्री जी हंस रहे हैं, इनके यहाँ भी आता है बाढ़ तो जाती होगी, महाराज जी बचता तो नहीं होगा, कुशीनगर बचता नहीं होगा, आपका मऊ बचता नहीं है, आजमगढ़ बचता नहीं, अम्बेडकर नगर बचता नहीं, बहराइच बचता नहीं, खीरी बचता नहीं, श्रावस्ती बचता नहीं, पीलीभीत बचता नहीं, बलिया बचता नहीं है, कुशीनगर बचता नहीं है, गोरखपुर बचता नहीं है। इतने जिले तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभावित हैं। तो बिहार की तरह से एक विशेष पैकेज हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी दे दो। कम से कम इतना तो कहने की हिम्मत रखो, केवल चीखने के लिए बैठे हैं सबके सब। सभापति महोदय, दूसरा एक मैं बात, हमसे पूर्व जो सांसद रहे हमारे आजमगढ़ के, बड़ी लंबी लंबी बातें की, गोरखपुर से आजमगढ़ होते हुए बनारस तक का हमने रेलवे लाइन स्वीकृत करा दिया। सभापति महोदय, मैंने जब पता किया अधिकारियों से तो सच्चाई ये है कि अभी उस पर एक भी पैसे का बजट का आवंटन नहीं है, नहीं है बजट का आवंटन। हाँ, आज आप ही ने तो पेश किया बजट, आप ही तो साइन किए हो, निर्मला जी ने तो किया नहीं होगा, आप ही ने किया होगा। तो सभापति महोदय, उस पर बजट भी आए, उस पर बजट भी आना चाहिए। दूसरा, सभापति महोदय, ये जो समस्या है बाढ़ वाली, मैं समझता हूँ कोई अकेले मेरी नहीं है, मेरे अकेले क्षेत्र की नहीं है, जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा इस पर जरूर गंभीरता से सोचेगा, उसको सोचे। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इस जन विरोधी बजट का पुरजोर विरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।